अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। तो जनाब मौलाना शेख मोहसिन नजफ़ी, मुफस्सिर कुरान, जो जामिया अल कौसर के प्रिंसिपल हैं, और वो इदारा बहुत ही एक ज़बरदस्त इदारा है जो उन्होंने बनाया हुआ है, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उसकी शाखें। तो उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने जामिया उरवत उल वुस्का के बारे में कहा है कि ये बेहतरीन किस्म का एक मदरसा है, और अगर कोई वहाँ पे पढ़ रहा है तो उसके लिए किसी दूसरे मदरसे में जाना हराम है। ये उनकी तरफ से एक फतवा है। तो आइए ये सुनते हैं बयान, फिर आगे चलते हैं। तो उसका से आए हैं? जी हाँ। या तो उसका से इधर क्या लाने आए हैं? बेहतरीन मदरसे छोड़ के इधर नहीं आ सकते आप, जायज़ नहीं। शर और मैं फतवा देता हूँ, हराम। तो जैसे दरसगाह को छोड़ के किसी और मदरसे में जाना हराम। मौलाना साहब माशाल्लाह चूंकि पाकिस्तान की बहुत ही नामवर शख्सियत हैं और मुफस्सिर कुरान है, तो बहुत बड़ी बात है। सारे मुखालफीन सुन लो हुण, तुसी जिहड़ा इत्थे डंका वजाया होया है। तो बहरहाल इस पर मजीद भी बात करेंगे, आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो इंशाल्लाह वो भी आंसर करेंगे। ये एक दोस्त ने भेजी थी क्योंकि हम इस मौजू पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी ये देखिए क्या हो रहा है। तो मैंने कहा जी चलें इस पर हम बात कर लेते हैं। अब वही बात है कि हमें ये नहीं पता कि किस उसमें किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई। ये लगता है ऐसे कि वहाँ कोई स्टूडेंट था मौलाना साहब के पास, तो उससे गुफ्तगू कर रहे थे। चलिए जनाब मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।